हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम डेली यूज़ इंग्लिश कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस कन्वर्सेशन में एक लड़की यानी कि एक गर्ल और एक ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी औरत है जो रोड को पार नहीं कर पाती और लड़की उनकी मदद करती है। तो वो दोनों इंग्लिश में किस तरह बात करते हैं वो हम सीखेंगे। तो लड़की उनसे बोलती है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आपको किसी से पूछना हो कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में पूछेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। लड़की फिर से बोलती है, आप काफ़ी देर से यहीं खड़ी हैं, मतलब उस बूढ़ी औरत को बोलती है, आप काफ़ी देर से यहीं खड़ी हैं। यू हैव बीन स्टैंडिंग हीयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। यू हैव बीन स्टैंडिंग हीयर फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद ओल्ड वुमेन क्या बोलती है, मेरा घर वहीं है। मेरा घर वहीं है मतलब उस पार है, सड़क के उस पार है, मेरा घर वहीं है। माई हाउस इज़ ओवर देयर। माई हाउस इज़ ओवर देयर। लेकिन मैं सड़क पार नहीं कर सकती क्योंकि कार इतनी तेज़ चलती है। ठीक है, ओल्ड वुमेन बोलती है लड़की से, लेकिन मैं सड़क पार नहीं कर सकती क्योंकि कार इतनी तेज़ चलती है। ओल्ड वुमेन बोलती है, मेरा घर वहीं है मतलब उस पार है, माई हाउस इज़ ओवर देयर, लेकिन मैं सड़क पार नहीं कर सकती क्योंकि कार इतनी तेज़ चलती है। बट आई कांट क्रॉस द रोड बिकॉज कार रन सो फास्ट। लेकिन मैं सड़क पार नहीं कर सकती क्योंकि कार इतनी तेज़ चलती है। बट आई कांट क्रॉस द रोड बिकॉज कार रन सो फास्ट। फिर लड़की बोलती है, मैं देखती हूँ यहाँ ट्रैफिक हमेशा भयानक रहता है। मैं देखती हूँ यहाँ ट्रैफिक हमेशा भयानक रहता है। इंग्लिश में बोलेंगे आई सी। आई सी का मतलब हो गया मैं देखती हूँ यहाँ ट्रैफिक हमेशा भयानक रहता है। द ट्रैफिक हियर इज़ ऑलवेज टेरिबल। टेरिबल का मीनिंग होता है भयानक। मैं देखती हूँ यहाँ ट्रैफिक हमेशा भयानक रहता है। लड़की ओल्ड वुमेन से बोलती है, आई सी द ट्रैफिक हियर इज़ ऑलवेज टेरिबल। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ सड़क पार करूं? लड़की ने उनसे पूछा था ना कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूं, तो वो आगे बोलती है, क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ सड़क पार करूं, मतलब आपको सड़क पार करवा दूं। डू यू वॉन्ट मी टू क्रॉस द रोड विथ यू। डू यू वॉन्ट मी टू क्रॉस द रोड विथ यू। डू यू वॉन्ट मी टू क्रॉस द रोड विथ यू। क्या आप चाहती हैं मैं आपके साथ सड़क पार करूँ। डू यू वॉन्ट मी टू क्रॉस द रोड विथ यू। आगे ओल्ड वुमेन बोलती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, ये तुम्हारा दयालुपन है। थैंक्स अ लॉट, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। अगर आपकी किसी ने हेल्प कर दी है, आप उन्हें बदले में बोल सकते हैं, थैंक्स अ लॉट, इट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। मुझे दूसरे लोगों की मदद करना पसंद है। लड़की उनसे बोलती है, मुझे दूसरे लोगों की मदद करना पसंद है। आई लाइक टू हेल्प अदर्स पीपल। आई लाइक टू हेल्प अदर पीपल। मुझे दूसरे लोगों की मदद करना पसंद है। आई लाइक टू हेल्प अदर पीपल। खासकर बुज़ुर्गों और बच्चों की, स्पेशली द एल्डर्स एंड चिल्ड्रेन। बुज़ुर्गों को इंग्लिश में कहते हैं एल्डर्स और बच्चों को इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रेन। खासकर बुज़ुर्गों और बच्चों की, स्पेशली द एल्डर्स एंड चिल्ड्रेन। तुम एक अच्छी लड़की हो। इतना सब सुनने के बाद बूढ़ी औरत लड़की को बोलती है, तुम एक अच्छी लड़की हो। यू आर अ गुड गर्ल। यू आर अ गुड गर्ल। ईश्वर तुम पर कृपा करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। लड़की बाद में बोलती है, आप मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। आप मुझे मेरी दादी की याद दिलाती हैं। यू रिमाइंड मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। यू रिमाइंड मी ऑफ माई ग्रैंड मदर। जब आप किसी से मिलते हैं, आपको उनको देख के किसी की याद आती है, तो आप यू रिमाइंड मी ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लड़की फिर से उस बूढ़ी औरत से बोलती है, मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा। किसे नहीं देखा? वो अपनी दादी के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, मैंने उन्हें सालों से नहीं देखा। आई हैव नॉट सीन हर फॉर ईयर्स। अगर आपने किसी को बहुत टाइम से नहीं देखा है, तो आप बोल सकते हैं आई हैव नॉट सीन हर फॉर ईयर्स। ओल्ड वुमेन बोलती है, वाई, मतलब क्यों। लड़की बोलती है, क्योंकि वह मेरे चाचा के साथ विदेश में रहती हैं। बिकॉज शी लिव्स इन अब्रॉड विथ माई अंकल। बिकॉज शी लिव्स इन अब्रॉड विथ माई अंकल। क्योंकि वो मेरे चाचा के साथ विदेश में रहती हैं। ठीक है, आगे फिर से लड़की बोलती है, मुझे लगता है मुझे घर जाना चाहिए और उन्हें वीडियो कॉल करनी चाहिए। आई थिंक आई शुड गो होम एंड मेक अ वीडियो कॉल विथ हर। I think I should go home and make a video call with her. इसके बाद ओल्ड वुमेन यानी कि बूढ़ी औरत और गर्ल यानी कि लड़की अपने अपने घर चले जाते हैं और ये कन्वर्सेशन यहीं पर ख़त्म हो जाती है, एंड हो जाती है। अब नेक्स्ट कन्वर्सेशन देखिए।
मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एक लड़का पूछता है एक लड़की से, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। अगर आपको भी किसी से पूछना हो, कोई आपसे हेल्प मांगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं वॉट कैन आई डू फॉर यू। आप उनसे पूछ सकते हैं वॉट कैन आई डू फॉर यू, वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, वॉट कैन आई डू फॉर यू। क्या आप मुझे डाकघर का रास्ता दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे डाकघर का रास्ता दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, कैन यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस, क्या आप मुझे डाकघर का रास्ता दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी द वे टू द पोस्ट ऑफिस। इसी तरह आप ये भी पूछ सकते हैं क्या आप मुझे अस्पताल का रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आप किसी रास्ते में हैं, किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप मुझे अस्पताल का रास्ता दिखा सकते हैं, इंग्लिश में पूछेंगे कैन यू शो मी द वे टू द हॉस्पिटल, कैन यू शो मी द वे टू द हॉस्पिटल, क्या आप मुझे अस्पताल का रास्ता दिखा सकते हैं, कैन यू शो मी द वे टू द हॉस्पिटल। हाँ मुझे देखने दीजिए, येस लेट मी सी, येस लेट मी सी, हाँ मुझे देखने दीजिए, येस लेट मी सी, या बोल सकते हैं हाँ ज़रूर, येस ऑफ कोर्स, येस ऑफ कोर्स, या यहाँ से काफ़ी दूर है। अगर आपको रास्ता बताना है और आप बोलना चाहते हैं कि ये यहाँ से काफ़ी दूर है, इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर, या यहाँ से काफ़ी दूर है, इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम हियर। आप बस क्यों नहीं ले लेते, वाई डोंट यू टेक अ बस, वाई डोंट यू टेक अ बस, मुझे लगता है ये अधिक सुविधाजनक होगा, आई थिंक इट विल बी मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, मुझे लगता है ये अधिक सुविधाजनक होगा, आई थिंक इट विल बी मोर कन्वीनियंट, ये एक अच्छा विचार है, दिस इज़ अ गुड आइडिया, दिस इज़ अ गुड आइडिया। यहीं बैठकर बस का इंतज़ार करो, अगर किसी ने आपसे रास्ता पूछा है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि चलो यहीं बैठकर बस का इंतज़ार करो, लेट सिट हियर एंड वेट फॉर द बस, लेट सिट हियर एंड वेट फॉर द बस। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी से रास्ता पूछा था, उन्होंने आपको बता दिया, लास्ट में आप बोलेंगे ना कि ठीक है आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की है, ओके थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इंग्लिश कन्वर्सेशन की वीडियो पसंद आई हो, अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, और आपको समझ में आया हो कि जब आप बाहर जाते हैं, रोड पर होते हैं, या अनजान लोगों से मिलते हैं, किसी से रास्ता पूछते हैं, या किसी की हेल्प करते हैं, तो आप किस तरह से इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको और वाली वीडियो देखनी है तो लेट मी नो इन कॉमेंट। इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, आसान भाषा में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।